हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट आज हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर मैनुफैक्चरिंग के न्यूमेरिकल कंट्रोल मेथड्स में हम लोग आज बात करेंगे और डेट ऑफ बर्फर क्या होता है या स्लैश मेमोरी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन मेथड्स जस में तो जैसे हमने बात की थी एम बॉक्स के बारे में मशीन कंट्रोल यूनिट की बात में तो डेट ऑफ बफ़र की बात करते हैं तो ये एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है जिसमें जैसे कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स जो कि रीड करता है फ्रॉम टेप एंड स्टोर करता है इन टू मेमोरी जिसको बोलते हैं बफर एक कंप्लीट ब्लॉक ऑफ इंफॉर्मेशन होता है जो कि कंसिस्टिंग ऑफ वर्ड्स और रीड करता है फ्रॉम टेप और स्टोर करता है इनटू टू टेम्प्रोरी मेमोरी कार्ड बफर वन लॉजिकल ब्लॉक में कंटेन वन कम्पलीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्ड ऑफ वर्ड इन सिक्वेंस जैसे कि लाइक लोकेटिंग द टूल ऑन द जॉब एंड देन डूइंग द ऑपरेशन एट दैट पोजिशन आगे बात करते हैं डिफरेंट वर्ड्स आर स्टोर्ड इन ए स्पेसिफाइड मेमोरी लोकेशन और ये जो फंक्शन ऑफ था दिस मेमोरी का इज टू कीप ऑन द स्टोरिंग द नेक्स्ट ब्लॉक ऑफ द वर्ड वर्ल्ड दिस मशीन इज डूइंग प्रोसेसिंग ऑफ अ प्रीवियस ब्लॉक तो डेटा बेफर के बारे में हमने जैसे समझा उसको अंडरस्टैंड किया तो डेटा बेफर एक्चुअली क्या है कि कंप्यूटर साइंस में डेटा बेफर इज़ अ रीजन ऑफ अ फिजिकल मेमोरी डेटा बेफर इज़ अ रीज़न ऑफ आ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज जिसका यूज़ करते हैं टू टेम्परोरली स्टोर डेटा वाइल इट इज़ बींग मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कंप्यूटर साइंस डेटा बफर इज़ अ रीज़न ऑफ आ फिजिकल मेमोरी स्टोरेज जिसका यूज़ करते हैं टेम्पोरली स्टोर डेटा वाइल इट इज़ बींग मूव फ्राम वन प्लेस टू अनादर टिपली बात करें तो डेटा इज स्टोर इन अ बफर एज इट इज़ Retrieved from an input device, or just before it is sent to an output device. Computer science: A data buffer is a reason of a physical memory storage used to temporarily store data while it is being moved from one place to another. Typically, the data is stored in a buffer as it is retrieved from an input device, or just before it is sent to an output device. This is the data buffer see this diagram that is that is the buffer this one is the data and this is the data passed on buffer this one is the buffer this one is the data data buffer and data passed on thanks for watching and sharing